हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्ट सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज की वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 16, प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है, प्रिंट फंक्शंस क्या है और प्रिंट फंक्शंस के कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते और सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंट फंक्शंस क्या है। टू डिस्प्ले आउटपुट और रिजल्ट पाइथन प्रोवाइड्स द प्रिंट फंक्शंस। अगर हमें आउटपुट में कुछ भी प्रिंट करना हो या फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करना हो तो इसके लिए हम पाइथन लैंग्वेज में प्रिंट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम सी लैंग्वेज में कुछ भी प्रिंट करना हो तो इसके लिए हम प्रिंटएफ यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना हो तो इसके लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं। या फिर जावा लैंग्वेज में आउटपुट के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपको पाइथन में कुछ भी आउटपुट प्रिंट करना हो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए आप प्रिंट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। हम प्रिंट फंक्शंस को टोटल 6 तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किए हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा है, डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शंस को आप ये 6 टाइप्स में से कौन से भी एक टाइप को यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट है प्रिंट, ब्रैकेट में उसे कुछ भी पास नहीं करना है, मतलब ब्लैंक है। सेकंड में आप प्रिंट फंक्शंस को स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। थर्ड में आप प्रिंट फंक्शंस को वेरिएबल की लिस्ट भी पास कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शंस को आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं या फिर प्रिंट फंक्शंस को आप स्ट्रिंग और वेरिएबल लिस्ट का कॉम्बिनेशन भी पास कर सकते हो। और सबसे लास्ट आप प्रिंट फंक्शंस के थ्रू फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं। तो टोटल ये 6 डिफरेंट फॉर्मेट है जिसको यूज़ करके हम प्रिंट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सभी टाइप्स को वन बाय वन देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, आपको सभी फॉर्मेट्स की पहले डिस्क्रिप्शन बताऊँगा और डिस्क्रिप्शन होने के बाद हम सबके ऊपर एक एक प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रिंट फंक्शन ओपन क्लोज ब्रैकेट। वेन द प्रिंट फंक्शन इज कॉल्ड सिंपली इट विल थ्रो कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, इट मीन्स दैट अ ब्लैंक लाइन विल बी डिस्प्लेड। अगर आप प्रिंट फंक्शंस को यूज़ करते समय अगर आपने उसे कुछ भी पास नहीं किया, मतलब ब्लैंक है, तो ऐसे समय प्रिंट स्टेटमेंट आपको न्यू लाइन डिस्प्ले करेगा। मतलब कर्सर कहाँ पे जाएगा, न्यू लाइन पे आपको एक ब्लैंक लाइन डिस्प्ले होगी। ये सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे कि सी लैंग्वेज में स्लैश एन है। सी लैंग्वेज में स्लैश एन का काम होता है न्यू लाइन को डिस्प्ले करना। सेम उसी तरीके से अगर प्रिंट स्टेटमेंट को ब्रैकेट में आपने कुछ भी पास नहीं किया तो ये फंक्शंस भी आपको ब्लैंक लाइन ही डिस्प्ले करेगा। मैं आपको इसे एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम्स के लिए नोटपैड को ओपन किया है और इस प्रोग्राम को मैंने ऑलरेडी सेव किया है। मैं आपको पाथ दिखाता हूँ। ई ड्राइव में हमने सैम्पल डॉट पी वाई नाम से इस फाइल को सेव किया है। तो अब मैं यहाँ पर एक कोड टाइप करता हूँ, प्रिंट डबल कोट में मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, सबसे पहले हेलो और सेकंड और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट, और इसमें मैसेज प्रिंट करता हूँ वेलकम। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा हेलो वेलकम। हेलो आउटपुट एक लाइन में प्रिंट होगा और उसके अगले ही लाइन में मुझे वेलकम प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन कहाँ पे करेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट पे, सी एम डी। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें सी ड्राइव का पाथ विजिबल हो रहा है लेकिन हमारा प्रोग्राम ई ड्राइव पे है तो इसलिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे ड्राइव को चेंज करना होगा। हमारे प्रोग्राम का पाथ हमें यहाँ पर सेट करना होगा। तो मैं ड्राइव चेंज कर लेता हूँ ई और कोलन, और अब पाथ चेंज होने के बाद हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन फाइल का नाम क्या है हमारे पास, सैम्पल डॉट पी वाई, एंटर। तो आपको आउटपुट प्रिंट हो जाएगा हेलो वेलकम। तो सबसे पहले लाइन में मुझे यहाँ पर हेलो प्रिंट हुआ और सेकंड लाइन में वेलकम प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइन के बीच में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा विदाउट एनी पैरामीटर, अगर इन दोनों लाइन में मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा विदाउट एनी पैरामीटर तो ये प्रिंट स्टेटमेंट मुझे आउटपुट में एक ब्लैंक लाइन डिस्प्ले करेगा। और अगर इसने ब्लैंक लाइन डिस्प्ले की तो हमें हेलो और वेलकम इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक स्पेस विजिबल होगी। तो इसे भी हम रन करके देखते। रन करने के लिए पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई, तो हमें इस तरीके से आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो आप हेलो और वेलकम के बीच में देखिए एक ब्लैंक लाइन है जो किसने प्रिंट की, इस प्रिंट स्टेटमेंट ने, विदाउट एनी पैरामीटर वाले प्रिंट स्टेटमेंट ने। ठीक है, तो ये था पहला फॉर्मेट प्रिंट का। अब हम सेकंड फॉर्मेट को देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मेट है प्रिंट और इसमें हम डबल कोट में पास करेंगे स्ट्रिंग। तो
तो ये पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 to 6 पॉइंट्स लिस्ट आउट किए। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते। मैं आपको सिर्फ समरी में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि अगर आप प्रिंट फंक्शंस को कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे तो आपको वो स्ट्रिंग आउटपुट में एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। आप चाहे तो उसमें नंबर लिखिए, कुछ मैसेज लिखिए, या फिर आप आपका खुद का नाम लिखिए, तो भी आपको आउटपुट में वो एज इट इज ही प्रिंट होगा। स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट भी दे सकते हैं। सिंगल कोट स्ट्रिंग और डबल कोट स्ट्रिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं। आप चाहे तो सिंगल कोट में स्पेसिफाई कीजिए या फिर डबल कोट में स्पेसिफाई कीजिए, आपको आउटपुट वैसे के वैसा ही प्रिंट होने वाला है। आप स्ट्रिंग में एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर जिनको कुछ स्पेशल मीनिंग है। जैसे कि आप स्ट्रिंग में स्लैश एन लिख सकते हो न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी लिख सकते हो स्पेस के लिए। स्लैश एन और स्लैश टी छोड़ के भी और भी कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है जिसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। उनमें से कोई भी कैरेक्टर आप स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना हो तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए आप प्लस ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉमा ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है मैं आपको एग्जाम्पल्स में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखिए कि कॉन्कैटिनेशन करने के लिए आप प्लस या फिर कॉमा दोनों में से कौन से भी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको एक ही स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम रिपीट करनी हो तो रिपीटेशन के लिए आप स्टार ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए उन सभी पॉइंट्स को मैं आपको एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। हम सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ और नोट पैड में हम एक एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और प्रिंट में मैंने यहाँ पर हेलो लिखा है। अब हेलो को मैंने क्या किया यहाँ पर डबल कोट, आप चाहें तो इसको सिंगल कोट भी कर सकते हैं। प्रिंट सिंगल कोट में मैं फिर से यहाँ पर प्रिंट करता हूँ हेलो। तो ये स्ट्रिंग हुई। ठीक है, तो पहले स्ट्रिंग को मैंने डबल कोट किया और सेकंड स्ट्रिंग को मैंने सिंगल कोट किया। तो आप चाहे तो डबल कोट कीजिए या फिर सिंगल कोट कीजिए, आउटपुट में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको आउटपुट में दोनों भी प्रिंट स्टेटमेंट में हेलो ही प्रिंट होगा। मैं इसको रन करता हूँ पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई, तो आपको हेलो वेलकम प्रिंट होगा। ठीक है, सॉरी हमने कोड को सेव नहीं किया इसलिए मुझे यहाँ पर हेलो वेलकम प्रिंट हो रहा है। तो मैं पहले कोड को सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस। अब कोड सेव हो गया, अब आप इसको रन कीजिए पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई, तो हमें यहाँ पर हेलो हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, अब मैं इसमें से एक प्रिंट को कट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम मैसेज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, कंट्रोल एस, फिर से इसको एक बार रन करते हैं पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई, तो हमें आउटपुट में प्रिंट होगा हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा थर्ड पॉइंट था कि आप प्रिंट स्टेटमेंट्स में एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको एक कैरेक्टर यूज करके दिखाता हूँ जैसे कि स्लैश एन। तो अभी स्लैश एन का क्या मीनिंग होगा, न्यू लाइन, यानी कि आपको हेलो प्रिंट होने के बाद कंपाइलर न्यू लाइन पे जाएगा और न्यू लाइन पे आपको आगे का मैसेज प्रिंट करेगा यानी वेलकम स्टूडेंट्स। जब मैंने इसको पहले एग्जीक्यूट किया था तो मुझे हेलो वेलकम स्टूडेंट का मैसेज एक ही लाइन पे प्रिंट हुआ था, लेकिन अब मैंने यहाँ पर चेंज करके बीच में स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ किया, तो अब मुझे हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स ये मैसेज अलग अलग लाइन पे प्रिंट होगी। तो देखिए आप पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पर स्लैश एन को चेंज करके स्लैश टी भी दे सकते हो। स्लैश टी से आपको आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन हेलो और वेलकम के बीच में आपको एक स्पेस विजिबल होगी। स्लैश टी का काम क्या होता है, टैप यानी स्पेस देना। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई, तो आपको आउटपुट में हेलो वेलकम, लेकिन आप इन दोनों वर्ड को देखिए हेलो वेलकम, इन दोनों वर्ड में आपको क्या प्रिंट हो रही, स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर आपको दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना हो या फिर दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना हो तो इसके लिए आप कॉमा ऑपरेटर या फिर प्लस ऑपरेटर, इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दो स्ट्रिंग कॉन्कैट करके दिखाता हूँ प्लस ऑपरेटर से भी या और कॉमा ऑपरेटर से भी, और आप ही देखिए आउटपुट को देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट, इसको मैं दो स्ट्रिंग पास करता हूँ हेलो, और ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर कॉमा मैसेज स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड प्रिंट, फिर से दो स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग हेलो प्लस ऑपरेटर और सेकंड स्ट्रिंग स्टूडेंट्स। यानी कि मैंने यहाँ पर दो प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग कॉन्कैट करने के लिए कॉमा ऑपरेटर और सेकंड प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया। अब मैं इसको रन करता हूँ,
रन करने के बाद आप आउटपुट को देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। रन करने के लिए पाइथन फाइल का नाम सैम्पल डॉट पी वाई, एंटर। तो आप आउटपुट देखिए, कॉमा ऑपरेटर से अगर आप स्ट्रिंग को कॉन्कैट करते हो, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉमा ऑपरेटर से अगर आप स्ट्रिंग को कॉन्कैट करते हो तो उन दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगी, मतलब वो स्पेस से कॉन्कैट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते तो दोनों में कोई भी स्पेस नहीं आती। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको स्ट्रिंग में स्पेस देनी है या फिर नहीं। अगर आपको स्ट्रिंग में स्पेस चाहिए तो आप कॉमा ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं कॉन्कैटनेशन के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ। सबसे लास्ट वाला पॉइंट था कि अगर आपको आउटपुट में स्ट्रिंग को रिपीट करना हो मल्टीपल टाइम्स, तो रिपीटेशन करने के लिए आप स्टार ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हेलो स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे कि हेलो, और मुझे इसी हेलो स्ट्रिंग को 3 टाइम्स प्रिंट करना है। तो इसके लिए मैं रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा सिंपली स्टार, और मुझे कितनी टाइम रिपीट करना है, 3 टाइम, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा 3। कंट्रोल यस करके सेव कीजिए, आपको आउटपुट में हेलो स्ट्रिंग 3 बार प्रिंट होगी। ठीक है, पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई, इस तरीके से हेलो हेलो हेलो। आप चाहें तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मैं आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ 4 स्टार, तो आप क्या होगा, हेलो जो स्ट्रिंग है वो आपकी 4 टाइम्स रिपीट होगी। अगर वो 4 टाइम्स रिपीट होगी तो आपको आउटपुट में हेलो स्ट्रिंग 4 बार दिखाई देगी। ठीक है, सैम्पल डॉट पी वाई, इस तरीके से हेलो 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 एंड हेलो। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट फंक्शंस को स्ट्रिंग पास करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रिंट के 2 फॉर्मेट्स डिफरेंट। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड फॉर्मेट की तरफ। हमारा थर्ड फॉर्मेट है कि हम प्रिंट प्रिंट फंक्शंस को वेरिएबल की लिस्ट भी पास कर सकते हैं। आप चाहे तो एक वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी पास कर सकते हैं। इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर लिस्ट आउट किया है। तो ये भी पॉइंट्स अगर आप चाहें तो अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इनको रफली सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि आप प्रिंट को मल्टीपल वेरिएबल की लिस्ट पास कर सकते हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल वेरिएबल की लिस्ट पास करेंगे तो आउटपुट प्रिंट होते समय सभी वेरिएबल्स में बाय डिफॉल्ट स्पेस आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगी, स्पेस। लेकिन अगर आप चाहते कि उन वेरिएबल्स में आपको स्पेस नहीं चाहिए, कोई अदर कैरेक्टर चाहिए, तो उन अदर कैरेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए आप एसएपी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएपी एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप स्पेस को ओवरकम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में, अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट्स में जो मल्टीपल लाइन का आउटपुट होता है वो अगर आपको एक ही लाइन में प्रिंट करना हो, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग है, मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट है, तो आपको आउटपुट भी कैसे मिलेगा, मल्टीपल लाइन पे मिलेगा। लेकिन अगर आपको वही आउटपुट एक ही लाइन में चाहिए, सेम लाइन में, तो ऐसे समय आप एंड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल था। मैं आपको इस एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। हम एग्जांपल्स में सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे, वेरिएबल की लिस्ट भी पास करेंगे, उसे एसीपी एट्रीब्यूट भी पास करेंगे, और सबसे लास्ट में उसे एंड एट्रीब्यूट भी पास करेंगे। तो चलिए मैं फिर से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नोटपैड को ओपन किया है। अब यहाँ पर मैं पहले 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले एक्स, उसमें वैल्यू 10, सेकेंड वाई, उसमें वैल्यू 20, थर्ड जेड, उसमें वैल्यू 30। अब मुझे इन तीनों वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो ये तीनों वेरिएबल प्रिंट करने के लिए मुझे 3 प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, मैं एक ही प्रिंट यूज करूंगा और उसी के अंदर मैं इस वेरिएबल की लिस्ट पास करूंगा। कौन कौन चाहिए मुझे, एक्स चाहिए, वाई चाहिए और जेड चाहिए। कंट्रोल एस, तो मैं इसे एक बार रन करता हूँ। रन करने के लिए पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई, इस तरीके से आप आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, मैंने एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल को प्रिंट किया, और तीनों वेरिएबल को प्रिंट करते समय उन तीनों वेरिएबल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्पेस से सेपरेट हुई है। आप बीच में देखिए, स्पेस है, यानी कि कंपाइलर वेरिएबल्स की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए बाय डिफॉल्ट स्पेस यूज करता है, स्पेस का कैरेक्टर यूज करता है। लेकिन अगर आपको इसी को ओवरकम करना है, यानी कि आपको स्पेस नहीं चाहिए, आपको लाइन चाहिए, स्पेस को ओवरकम करना है, तो इसके लिए आप सबसे लास्ट में एसएपी एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, और उसमें
डबल कोट में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको उस वेरिएबल को किस कैरेक्टर से सेपरेट करना है। तो मान लीजिए मुझे डैश से सेपरेट करना है, तो मैंने यहाँ पर डैश स्पेसिफाई किया। एक बार कंट्रोल एस करके सेव कीजिए और प्रोग्राम को रन करके चेक कीजिए। अब देखिए 10, 20, 30, अब ये स्पेस से सेपरेट नहीं हुए, तो अभी कहाँ से सेपरेट हुए? डैश से। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे उन वेरिएबल्स को या मुझे डॉलर से सेपरेट करना है, तो मैं SAP एट्रीब्यूट को सिंपल डबल कोट में डॉलर स्पेसिफाई करूँगा, तो मेरे आउटपुट में XYZ की वैल्यू डॉलर कैरेक्टर से सेपरेट हो जाएगी। मैं फिर से इसको रन कर लेता हूँ पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई। तो अब आप आउटपुट देखिए 10, 20, 30, इन तीनों के बीच में डॉलर का साइन असाइन हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर दे, XYZ की जो वैल्यू है वो वैल्यू अब हम अलग अलग लाइन पे प्रिंट कर दें। तो देखिए प्रिंट, सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है एक्स को, उसके बाद प्रिंट मुझे प्रिंट करना है वाई को, और लास्ट में ही प्रिंट मुझे प्रिंट करना है जेड को। तो अब मैंने XYZ की वैल्यू प्रिंट करने के लिए सेपरेट सेपरेट प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया, यानी कि अब मेरा आउटपुट 10, 20, 30 अलग अलग लाइन पे प्रिंट होगा। मतलब सबसे पहली लाइन में 10 प्रिंट होगा, सेकेंड लाइन में 20 प्रिंट होगा, और थर्ड लाइन में 30 प्रिंट होगा। इस तरीके से जो आउटपुट हमने सबसे पहले एक ही लाइन में प्रिंट किया था, क्योंकि तब वहाँ पर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट था, लेकिन अब प्रिंट स्टेटमेंट इंक्रीज हो गए तो हमारे आउटपुट की लाइंस भी इंक्रीज हो गई। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि अगर मल्टीपल भी प्रिंट स्टेटमेंट होंगे तब भी हमारा आउटपुट एक ही लाइन में आना चाहिए। टोटल हमारे पास 3 प्रिंट के स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे आउटपुट एक ही लाइन पर चाहिए। तो इसके लिए आप एंड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते। एंड एट्रीब्यूट का काम वही होता है मल्टीपल लाइन के आउटपुट को मिनिमाइज करके सिंगल लाइन में प्रिंट करना। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पर एक्स कॉमा एंड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर लेता हूँ, और इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता। ठीक है, सेकंड एंड ओपन क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर भी डबल कोट में ब्लैंक। जेड के आगे एंड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेड तो ऑलरेडी है, लास्ट लाइन है, तो इसके आगे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। अब होगा क्या, सबसे पहले मुझे एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10, उसके बाद एंड एट्रीब्यूट से बीच में थोड़ी स्पेस आ जाएगी, और वही उसी लाइन पे हमें वाई भी प्रिंट हो जाएगा। वाई प्रिंट होने के बाद वहाँ पर भी थोड़ी स्पेस आ जाएगी उसी लाइन पे, और इमिजिएटली वहाँ पर जेड भी प्रिंट हो जाएगा। मतलब अब 3 प्रिंट स्टेटमेंट होने के बावजूद भी हमारा आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ XYZ इस तरीके से 10, 20, 30, और इन तीनों वैल्यू के बीच में स्पेस आ गई। अब ये स्पेस क्यों आई? क्योंकि हमने एंड एट्रीब्यूट में सिर्फ स्पेस स्पेसिफाई, इसकी वजह से। आप चाहें तो बीच में कोई अदर कैरेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल 3 times dash यूज़ करता हूँ। तो ये 3 times dash मुझे सिर्फ एक्स और वाई इन दोनों के बीच में ही विजिबल होगा, क्योंकि एंड एट्रीब्यूट को हमने एक्स वेरिएबल के पास यूज़ किया। तो मैं रन करता हूँ सैम्पल डॉट पी वाई। अब देखिए 10 और 20 इन दोनों के बीच में हमें 3 times dash प्रिंट हुई। अगर आपको वाई और जेड के बीच में भी कोई अलग कैरेक्टर देना है तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉलर स्पेसिफाई करता हूँ। अब आप आउटपुट देखिए पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई, तो 20 और 30 के बीच में मुझे यहाँ पर डॉलर विजिबल हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट को वेरिएबल की लिस्ट भी पास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे चौथे फॉर्मेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम प्रिंट स्टेटमेंट को और क्या पास कर सकते हैं। तो मैं फिर से नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चौथे पॉइंट्स में, चौथे पार्ट में हम प्रिंट स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट किसके पास कर सकते हैं? आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। चाहे तो आप लिस्ट का भी पास कर सकते हैं, टपल का भी पास कर सकते हैं, या फिर डिक्शनरीज का भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत हुई, आप सोचते होंगे कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये डेटा टाइप है। वो डेटा टाइप नहीं है, पाइथन में लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये इंटरनली ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम ये ऑब्जेक्ट्स भी प्रिंट स्टेटमेंट को पास कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट हमें एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पर नोट पैड को ओपन किया है। तो यहाँ पर मैं अब लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को डिक्लेयर करूँगा। तो सबसे पहले लिस्ट, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद वाई, फिर से 10, 20, 30, 40, 50, और उसके बाद सेड, यहाँ पर 1, उसके बाद अमोल कॉमा 2, ठीक है, उसके बाद वैल्यू सागर, और लास्ट में 3, और यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ नीलेश। तो
तो मैंने यहाँ पर टोटल तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक्स वाई जेड। अब कौन से वेरिएबल्स में हमने क्या स्टोर किया, तो एक्स वेरिएबल्स में जो हमने फाइव वैल्यू स्टोर की, वो फाइव वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने ओपन क्लोज स्क्वेयर ब्रैकेट का यूज़ किया, और ये ओपन क्लोज स्क्वेयर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते लिस्ट को। जैसे ओपन क्लोज स्क्वेयर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते लिस्ट को, सेम उसी तरीके से ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते टपल को, और ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस रिप्रेजेंट करते डिक्शनरी को। यानी कि मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल्स में तीन डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू स्टोर की, पहले लिस्ट, सेकंड टपल और थर्ड में डिक्शनरी। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट, तीनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप प्रिंट स्टेटमेंट को डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो मैं पास करता हूँ, सबसे पहले प्रिंट, उसको पास करूंगा मैं एक्स, उसके बाद प्रिंट, उसको पास करूंगा वाई, और सबसे लास्ट में प्रिंट, तो उससे मैं पास करता हूँ जेड। यानी कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट पास किए। आप इसे भी रन करके देख लीजिए, आपको आउटपुट वैसे के वैसा ही प्रिंट होने वाला है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट को ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के फिफ्थ नंबर्स के फॉर्मेट्स को, कि हम प्रिंट स्टेटमेंट्स को और क्या पास कर सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो प्रिंट स्टेटमेंट को आप स्ट्रिंग और वेरिएबल लिस्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पास कर सकते हैं, और ये सबसे कॉमन पॉइंट है। मतलब जब भी आप पाइथन लैंग्वेज में कोड करेंगे तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन इज टू यूज स्ट्रिंग अलॉन्ग विद द वेरिएबल इन साइड द प्रिंट फंक्शन। तो आप प्रिंट को स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी पास कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट को डबल कोट में एक स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ, लिस्ट। ठीक है, इसको मैंने डबल कोट किया, तो डबल कोट करने की वजह से ये क्या हो गई, स्ट्रिंग, और कॉमा करके इसे पास कर लेता हूँ मैं एक्स। आप चाहे तो एक्स को वेरिएबल भी कह सकते हैं, या फिर एक्स को आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने स्ट्रिंग और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन किया, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने सिंपली यूज किया कॉमा साइन का। ठीक है, कंट्रोल एस, इसको भी आप रन करके चेक कर सकते हैं, पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गई, और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। वैसे ही हम टपल और डिक्शनरी को भी प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट डबल कोट में टपल और कॉमा करके वाई, उसके बाद प्रिंट डबल कोट में एक मैसेज डाल देता हूँ डिक्शनरी, ठीक है, और कॉमा जेड। तो तीनों प्रिंट स्टेटमेंट में हमने स्ट्रिंग और वेरिएबल की लिस्ट इसका कॉम्बिनेशन किया है। तो आपको आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा लिस्ट, लिस्ट की वैल्यू, टपल, टपल की वैल्यू, और डिक्शनरी, डिक्शनरीज की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट फंक्शंस को स्ट्रिंग और वेरिएबल की लिस्ट पास कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे की प्रिंट स्टेटमेंट के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, और अब हमारा लास्ट फॉर्मेट बाकी है। ठीक है, सबसे लास्ट सिक्स में। तो प्रिंट स्टेटमेंट को आप, तो वैसे तो हमने देखा था कि प्रिंट स्टेटमेंट को हम तो स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, लेकिन आप उस स्ट्रिंग को एज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको सी लैंग्वेज के बारे में अगर पता होगा, तो सी लैंग्वेज में हम इंटीजर्स के लिए परसेंट डी का यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोट के लिए परसेंट एफ का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी का यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस का। तो उसी को हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बोलते हैं। यानी कि प्रिंट फंक्शंस में भी आप इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करने के लिए परसेंट डी का यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट के लिए परसेंट एफ का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट में परसेंटेज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो उसे हम कहेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, अगर प्रिंट में आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, तो स्ट्रिंग कंबाइन करने के लिए हम कॉमा ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते, तो उसके बजाय हम परसेंटेज ऑपरेटर्स का यूज़ करते। तो यहाँ पर मेरे से गलती से यहाँ पर कॉमा भी हुआ है, लेकिन हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, तो हम परसेंटेज साइन का यूज़ करेंगे। परसेंटेज कब यूज़ करेंगे, अगर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है तभी, अगर नहीं होती है तो हम सिंपली कॉमा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग का सिंटैक्स है। तो इसे भी आप चाहे तो नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक नोट बता दूँ, आप चाहे तो इस नोट को रीड कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ नोट क्या है। अगर वेरिएबल एक ही है, अगर वेरिएबल एक ही है, तो आपने ओपन क्लोज ब्रैकेट स्पेसिफाई नहीं किया तो भी चलेगा,
लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स है तो आपको ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट स्पेसिफाई करना मस्ट है, कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम्स करते हैं और प्रोग्राम्स में देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर तीन वेरिएबल लेता हूँ मैं, एक्स में 10, वाई में, ठीक है कॉमा कर लेता हूँ, वाई में अमोल और जेड में 1000.00। तो मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल लिए और तीनों वेरिएबल मैंने डिफरेंट टाइप्स के लिए, जैसे कि एक्स वेरिएबल इंटीजर है, वाई वेरिएबल फ्लोट है और जेड वेरिएबल, सॉरी वाई वेरिएबल स्ट्रिंग है और जेड वेरिएबल फ्लोट है। तो अब मैं इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करूंगा यूजिंग प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो चलिए सबसे पहले एक्स वेरिएबल प्रिंट डबल कोट में, यहाँ पर एक मैसेज वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन एक्स कौन से टाइप का है, इंटीजर का, और इंटीजर के लिए कौन सा साइन यूज करना हमें, परसेंट डी, और उसके बाद हमें प्रिंट करनी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज किए और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करने की वजह से हम स्ट्रिंग और वेरिएबल को कॉमा से ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हम उसे परसेंटेज साइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको फ्लोट को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट, पहले हम स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, वैल्यू ऑफ वाई और वाई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट यस, परसेंट वेरिएबल का नाम वाई। चलिए लास्ट को भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट डबल कोट वैल्यू ऑफ जेड परसेंट, सॉरी फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ कॉमा, सॉरी परसेंट, और वेरिएबल का नाम क्या हमारे पास, जेड। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सैम्पल डॉट पी वाई, तो एक्स की वैल्यू भी प्रिंट हो गई, वाई की भी प्रिंट हो गई और जेड की भी प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये टोटल प्रिंट स्टेटमेंट के 6 डिफरेंट फॉर्मेट से, जिन सभी फॉर्मेट्स को हमने इस पार्ट में कवर किया। तो पहला फॉर्मेट क्या था, प्रिंट विदाउट एनी पैरामीटर, इसको कवर किया। सेकंड में हमने प्रिंट को स्ट्रिंग पास की। थर्ड में हमने प्रिंट को वेरिएबल की लिस्ट पास की। फोर्थ में हमने वेरिएबल को ऑब्जेक्ट पास किया। फिफ्थ में हमने प्रिंट को वेरिएबल और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन पास किया और सबसे लास्ट में हमने प्रिंट को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पास की। ठीक है, तो आपके समझ में आया होगा, प्रिंट स्टेटमेंट में ये छोड़ के बाकी और कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ, अगर आपको ये 6 फॉर्मेट्स अगर समझ में आएंगे तो प्रिंट में और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।